हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और आज जो केमिस्ट्री में टॉपिक चलेगा वो है रेडियो सक्रिय विखंडन, रेडियो एक्टिव डिस है ना, रेडियो एक्टिव डिस इंटीग्रेशन, रेडियो सक्रिय विखंडन। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को, लास्ट तक बने रहिएगा और आज जानेंगे कि रेडियो सक्रिय विखंडन क्या है। और मैं ये पहले बता दूँ कि ये वीडियो जो है दो पार्ट में बनेगी, एक पार्ट तो आज जो ये आप देखेंगे और एक पार्ट जो है वो अगला होगा, उसमें मैं पार्ट वन और पार्ट टू लिख दूंगा, ठीक है। तो रेडियो सक्रिय विखंडन या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है समझते हैं हम लोग इसको। पहले फर्स्ट पॉइंट है रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से, जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं उनके नाभिक से रेडियो सक्रिय तत्वों के स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय विखंडन या रेडियो सक्रिय क्षय, रेडियो एक्टिव डीके कहा जाता है। यहाँ से यह बात तो आप हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उसमें क्या होता है, उनके नाभिक से जो है स्वतः एक प्रकाश की किरणें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है वह बाहर की तरफ निकलती है और उस उत्सर्जन को, उस प्रकाश के उत्सर्जन को हम लोग जिस एलिमेंट से निकलता है उसको हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और यह प्रकाश की किरण जो बाहर उत्सर्जित होती है, जो लाइट इमिटेड होती है, वह जो है स्वतः होती है, बिना किसी प्रयास का होता है, तो ऐसे तत्वों को हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से रेडियो सक्रिय तत्वों के स्वतः उत्सर्जन की, मतलब अपने आप उत्सर्जन की प्रक्रिया को रेडियो सक्रिय विखंडन या रेडियो सक्रिय क्षय कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि रेडियो सक्रिय एलिमेंट से स्वतः प्रकाश की किरणों का बाहर निकलना ये क्या कहलाता है, ये आपका रेडियो सक्रिय विखंडन या रेडियो सक्रिय क्षय कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चूँकि यह क्रिया स्वाभाविक रूप से स्वतः होती है अतः इसे प्राकृतिक विखंडन है ना, नेचुरल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। अब यह प्रक्रिया जो है स्वतः हो रही है, मतलब यह क्रिया, इस क्रिया में बाहरी जो है वह अपने आप जो है उससे प्रकाश का निकलना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी रेडियो सक्रिय तत्व तो होते हैं उसके नाभिक अस्थायी होते हैं और नाभिक अस्थायी होने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट का नाभिक है और जब नाभिक अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा, और नाभिक के अस्थायी होने का कारण होता है कि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, तो अगर नाभिक और यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था तो इस नाभिक के अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, इससे जो है चूँकि इसमें न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है, तो यह जब इससे जो है इस नाभिक से प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकलती है और जब प्रकाश की किरण निकलती है तो हम इसको रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ से इस नाभिक का विखंडित होकर के इसके प्रकाश के रूप में बाहर निकलना यह क्रिया जो है स्वतः होती है, क्योंकि यह क्रिया स्वाभाविक रूप से स्वतः होती है अतः इसे प्राकृतिक विखंडन या नेचुरल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो यह प्राकृतिक विखंडन है या अपने आप जो है स्वतः विखंडित होती है। इस क्रिया में अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। आपको मालूम होगा इसके पहले जो है, आप अगर हमारी प्लेलिस्ट को देखे होंगे, हमारे यूट्यूब वीडियो को देखते होंगे रेगुलर, तो आपको ये मालूम होगा हमने अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण सबको स्पेसिफिक पढ़ाया है एक एक वीडियो में, तो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा उसको, तो समझ में बात ज़्यादा आएगी। इस क्रिया में अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन जो है होते रहता है, अल्फा का, बीटा का और गामा का जो है इस क्रिया से, मतलब कि नाभिक से प्रकाश की किरण स्वतः बाहर निकलती है, तो इस प्रक्रिया में जो है अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। 1913 ईस्वी में सॉडी, यह एक वैज्ञानिक है, सॉडी 1913 ईस्वी में सॉडी फाजांस है ना, फाजांस ये भी एक साइंटिस्ट है, फाजांस तथा रदरफोर्ड, इन तीनों ने, सॉडी, फाजांस तथा रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन तीनों ने रेडियो सक्रिय विखंडन से संबंधित सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया कि रेडियो सक्रिय विखंडन कैसे होता है और उसका, उसके विखंडित होने का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया। इसके अनुसार अब जो है ये तीनों वैज्ञानिक सॉडी, फाजांस और रदरफोर्ड, इन तीनों के अनुसार क्या है, इनके अनुसार देखिए रेडियो, अब ये बता रहे हैं रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत दे रहे हैं, तो गौर से देखिएगा कि सॉडी, फाजांस और रदरफोर्ड ने बताया कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं। ये बात तो आप जान ही रहे हैं कि जो भी रेडियो सक्रिय एलिमेंट है उसके परमाणु अस्थायी होते हैं जो स्वतः विखंडित होकर नए तत्व में परिवर्तित होते रहते हैं। अब यह जो है, यह जो इसके नाभिक का जो इसका जो परमाणु है वह स्वतः, ये तो चूंकि नाभिक है, नाभिक जो है वो परमाणु के अंदर है, पहले एलिमेंट है उसके बाद एटम है और एटम के अंदर नाभिक है और नाभिक में जो है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये अंदर की बनावट है। तो रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं जो स्वतः विखंडित होकर
नए तत्व में परिवर्तित होते हैं, ये स्वतः विखंडित होते रहते हैं और नए तत्व में परिवर्तित होते हैं, जो अपना जो वो जो पहले से था जिस तत्व में, उस तत्व का रूप बदल करके वह नए तत्व में परिवर्तित होते हैं, अर्थात कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया कि अल्फा कण और बीटा कण, अल्फा कण और बीटा कण रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होते हैं। हमने कहा कि अल्फा कण हो या फिर बीटा कण हो, ये कहाँ से? रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से उत्पन्न होते हैं। अल्फा कण और बीटा कण रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से उत्पन्न होते हैं। रेडियो सक्रिय परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। अब रेडियो सक्रिय परिवर्तन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो आप ये इस तीन पॉइंट को देखें, इसमें जो सॉडी, फजांस और रदरफोर्ड ने बताया है कि इसमें दो सिद्धांत जो है, पहला कि रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणु अस्थायी होते हैं, जो स्वतः विखंडित होकर अपने आप विखंडित होते हैं और नए नए तत्व में परिवर्तित होते हैं, नए तत्वों में परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा पॉइंट दिया कि अल्फा कण और बीटा कण रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक उत्पन्न करते हैं, है ना। अल्फा कण को और बीटा कण को कौन उत्पन्न करता है? तो जो रेडियो सक्रिय तत्व है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जो न्यूक्लियर है, नाभिक है, वहां से जो है अल्फा कण और बीटा कण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, रेडियो सक्रिय परिवर्तन दो प्रकार के। अब रेडियो सक्रिय परिवर्तन दो प्रकार का है। अब देखिए ये दो प्रकार का कौन कौन सा है रेडियो सक्रिय परिवर्तन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है अल्फा परिवर्तन और दूसरा है बीटा परिवर्तन। अब अल्फा परिवर्तन किसको बोलते हैं? तो अल्फा कण के निकलने से, अल्फा कण के निकलने से होने वाले परिवर्तन को अल्फा परिवर्तन कहते हैं। मतलब अल्फा कण निकलेगा और अल्फा कण के निकलने से जो परिवर्तन होगा वह अल्फा परिवर्तन कहलाता है। और दूसरा है बीटा परिवर्तन, तो बीटा कण के निकलने से होने वाले परिवर्तन को बीटा परिवर्तन। अब बीटा कण निकल रहा है किसी के नाभिक से, तो वहाँ बीटा कण के निकलने से जो परिवर्तन होगा वह बीटा परिवर्तन कहलाएगा। तो यहाँ से जो रेडियो सक्रिय परिवर्तन था वो दो प्रकार का। अभी तक आप सॉडी, फजांस और रदरफोर्ड का रेडियो सक्रिय विखंडन संबंधित दो नियम पढ़े। एक नियम में कहा रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु अस्थायी होते हैं, जो स्वतः विखंडित होकर नए तत्व में परिवर्तित होते हैं। दूसरा कहा कि अल्फा कण और बीटा कण जो है रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों सिद्धांत आपने देखा इसके विखंडन का, सॉडी, फजांस और रदरफोर्ड के द्वारा। इसमें जो नए तत्व में परिवर्तित होते हैं, इसी को यहाँ पर ले लिया कि अब जो नए तत्व में परिवर्तन होगा उसमें अल्फा परिवर्तन है, तो अल्फा कण के निकलने से जो परिवर्तन होगा वो अल्फा परिवर्तन कहलाएगा और बीटा कण के निकलने से जो परिवर्तन होगा वह बीटा परिवर्तन कहलाएगा। अब अल्फा परिवर्तन और बीटा परिवर्तन ये तो आपको समझ में आ गया कि जब रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण निकलेगा तो वो अल्फा परिवर्तन कहलाएगा और रेडियो सक्रिय तत्व से जब बीटा कण निकलेगा तो वह बीटा परिवर्तन कहलाएगा। अब देखिए अल्फा परिवर्तन और बीटा परिवर्तन ये क्या है। देखिए किसी परमाणु के नाभिक में एक अल्फा कण के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु का द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम हो जाता है। इसको समझिएगा, क्या बोला कि किसी परमाणु के नाभिक में से एक अल्फा कण के निकल जाने से, जब एक अल्फा कण निकलता है, निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु का द्रव्यमान, जो प्राप्त होने वाला परमाणु है उसका द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम हो जाता है। जो मूल परमाणु का द्रव्यमान है उससे 4 कम होगा जब एक अल्फा कण निकल जाएगा, है ना। इस नाभिक से जब एक अल्फा कण यहाँ पर निकल गया, मान लीजिए एक अल्फा कण बाहर निकल गया, तो एक अल्फा कण के निकल जाने से क्या होगा, जो परमाणु का द्रव्यमान है वह मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम हो जाएगा। मतलब सीधा जान लीजिए कि अब यहाँ पर उदाहरण के रूप में, है ना, 4 कम हो जाता है और परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है। अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 घट जाएगा और जो द्रव्यमान संख्या है वह 4 घट जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा, ये बता रहा है आपका अल्फा परिवर्तन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रेडियो सक्रिय तत्वों का विखंडन। अब विखंडन में चूंकि स्वाभाविक रूप से प्रकाश निकलती है, तो उसमें जो अल्फा प्रकाश निकलेगा तो वह जो है आपका अल्फा परिवर्तन और बीटा प्रकार का प्रकाश निकलेगा तो बीटा परिवर्तन। तो अल्फा परिवर्तन में जो कहा गया, अल्फा परिवर्तन में ये कहा गया कि अगर एक अल्फा कण बाहर निकल गया तो परमाणु का द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से 4 कम हो जाएगा और परमाणु का जो संख्या है वह 2 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि रेडियो सक्रियता का विखंडन हो रहा है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही चाहिए। यह रेडियम जो है 88226 जो है ये रेडियम है, इसमें से एक अल्फा कण निकला तो ये रेडॉन है 86222, है ना। कहीं कहीं पर इसको जो है RN 86222
24 भी लिखता है, लेकिन 86,222 भी ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसका रेडियम होता है 86,222 ही, है ना, होता है 86,222 ही रेडॉन का। तो रेडियम में जो है 88 आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो है एटॉमिक नंबर है, और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 है, 86 है। तो जब ये 226 जो है रेडियम का है परमाणु द्रव्यमान, और रेडॉन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 222 है। यहाँ से एक अल्फा कण निकला तो रेडियम में 2 की कमी, तो यहाँ 88 से आप देख रहे हैं कि जब एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 कम होता है। परमाणु संख्या 88 था तो परमाणु संख्या क्या हो गया, 88 माइनस 86, या 88 माइनस 2, क्योंकि एक अल्फा कण निकला है तो 2 घटेगा, तो यहाँ कितना बचा, 86। तो ये हो गया कि एक अल्फा कण निकलने से 2 परमाणु की कमी। अब यहाँ ऊपर जो है 226 से ये घट के 204 हो गया, 222 हो गया। ये जो है आपका मूल द्रव्यमान में कमी, मतलब कि 226 जब एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी, तो ये हो गया 222। तो यहाँ से जो है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रेडियो सक्रिय विखंडन में, है ना, तत्व जब रेडियो सक्रिय विखंडन होता है तो इसका परमाणु अस्थायी होने के कारण स्वतः विखंडित होता है और नए तत्व में परिवर्तित होता है। जब नए तत्व में परिवर्तित होगा तो अल्फा कण और बीटा कण रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होते हैं, और जब अल्फा कण निकलेगा तो वो अल्फा परिवर्तन कहलाएगा, जब बीटा कण निकलेगा तो वो बीटा परिवर्तन कहलाएगा। जब अल्फा कण निकलेगा तो वह क्या करेगा, जिस तत्व से वह निकल रहा है उस तत्व के जो परमाणु संख्या है उसमें 2 की कमी होगी। अगर एक अल्फा कण निकलता है तो उस परमाणु के जो परमाणु संख्या जितना है उसका उसमें 2 की कमी होगी, और उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। तो यहाँ पर परमाणु संख्या 88 था, इसमें 2 कम होकर के 86 हो गया, जो रेडियम से रेडॉन बन गया, और जो परमाणु संख्या 226 था ये 4 घट के 222 हो गया। तो अगर अल्फा प्रकार का परिवर्तन हो रहा है किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व में तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी एक अल्फा कण के निकलने से, और उसके द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए बीटा के संदर्भ में, है ना। इसी प्रकार किसी परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण के निकल जाने से, अगर परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण निकलता है, निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु का द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान एटॉमिक मास जो है एटॉमिक द्रव्यमान वही रहेगा, जो है सेम रहेगा जो मूल परमाणु का है, लेकिन परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है। अब जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक की वृद्धि हो जाएगी, ये होगा तब जब बीटा कण निकलेगा, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान दोनों ही जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी, और जो मूल एलिमेंट है वो भी, दोनों का ही परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा लेकिन परमाणु संख्या बदल जाएगा। यहाँ पर है एक रेडियम, रेडियम जो है 88,228, इससे जब एक बीटा किरण निकलता है तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, इसके एटॉमिक संख्या में एक की वृद्धि, आप देख रहे हैं कि परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है जब बीटा कण निकलता है, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि। तो यह रेडियम था, यह मूल रूप में था, यह बाद में जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन गया एक्टिनियम, और ये जो है 88 से एक बढ़ के कितना हो गया, 89, क्योंकि इसमें एक की वृद्धि हो गई, एक यहाँ पर जो है परमाणु संख्या एक से बढ़ गई, और द्रव्यमान जो है 228 था तो इसका भी 228 है। एक्टिनियम और रेडियम दोनों का परमाणु द्रव्यमान 228 है, लेकिन यहाँ पर रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है 88 था और एक्टिनियम का 89 हो गया, तो यहाँ से एक जो है बढ़ गया, 88+1 हो गया, ये हो गया क्योंकि यहाँ से एक बीटा किरण निकली है। यहाँ भी देखिए यहाँ पर थोरियम जो है, थोरियम कितना था, 90 और 234, और ये है 91 और 234। तो यहाँ पर भी थोरियम में क्या हुआ, जब एक बीटा कण निकला तो एक बीटा कण निकलने से इसके एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि हो गई, है ना, इसके परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो गई, तो ये 90 से हो गया 91, और ये हो गया प्रोटैक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम हो गया, और यहाँ से जो थोरियम 234 था यह जो है परमाणु द्रव्यमान वही रहा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान वही रहता है और जो है उसका एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाती है। तो इसमें आपको ये बात समझ में आ गया होगा इस दोनों पॉइंट से कि अगर अल्फा कण किसी भी एलिमेंट किसी भी रेडियो सक्रिय मूल तत्व से निकलेगा तो अल्फा कण के निकलने से क्या होगा, उसके एटॉमिक संख्या में परमाणु संख्या में 2 की जो है कमी होगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। यहाँ पर 226 था, 222, 4 की कमी हो गई द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पर 88 था, यहाँ पर 2 की कमी हो गई एटॉमिक नंबर में, 2 की कमी, यहाँ पर दोनों में कमी ही हो रहा है, 2 का कमी जो है इसके एटॉमिक नंबर में हो रहा है और 4 का कमी द्रव्यमान संख्या में हो रहा है, परमाणु संख्या में जो है परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी और परमाणु संख्या में 2 की कमी, दोनों में ही कमी हो रहा है अल्फा किरण के निकलने से। और बीटा किरण के निकलने से क्या हो रहा है, बीटा किरण के निकलने से इसके द्रव्यमान द्रव्यमान संख्या पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन परमाणु संख्या में जो है
एक की वृद्धि हो रही है, यह 88 था तो 89 हो गया, थोरियम 90 था तो यहाँ प्रोटेक्टिनियम 91 हो गया। ठीक है, अब जो है मित्र थोड़ा सा एक टॉपिक जो है इसमें रह गया है वो है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या इसी को बोलते हैं समूह विस्थापन नियम, है ना, समूह विस्थापन नियम। थोड़ा सा 2 मिनट में इसको भी देख लेते हैं, कोई खास चीज़ नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। क्या है, देखिए किसी परमाणु के, है ना, किसी परमाणु के नाभिक में से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण। अल्फा कण कितना है, एक, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक अल्फा कण और 2 बीटा कण, एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कणों के निकल जाने से, यहाँ से एक अल्फा कण निकल गया और 2 बीटा कण के निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु की परमाणु संख्या वही रहती है, एटॉमिक नंबर वही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक्स जो है कोई परमाणु संख्या है, इसका यहाँ पर जो है एक्स का मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर जेड है, ऐसा है। तो अगर यदि इस एलिमेंट से एक अल्फा कण निकल जाए, है ना, और 2 बीटा कण निकल जाए, है ना, 2 बीटा कण निकल जाए, किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण तथा 2 बीटा कण निकल जाने से प्राप्त होने वाले परमाणु की परमाणु संख्या वही रहती है। तो अब जो नया एलिमेंट यहाँ पर एक्स वाई जेड में, जैसे मान लीजिए एक्स के बाद यहाँ कोई नया एलिमेंट बनता है जिसका नाम है मान लीजिए एन, एन नाम का कोई एलिमेंट बनता है, तो इसका जो है परमाणु संख्या, यहाँ वाई था तो परमाणु संख्या इसका वाई ही रहेगा, परमाणु संख्या वही रहती है जो मूल परमाणु की है, लेकिन, है ना, इस परमाणु इस लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान मूल परमाणु द्रव्यमान से 4 इकाई कम हो जाता है। इसका जो परमाणु द्रव्यमान जो यहाँ जेड था, ये क्या होगा, 4 इकाई कम हो जाएगा, है ना, 4 इकाई कम हो जाती है। अर्थात मूल परमाणु और नए परमाणु, जो मूल परमाणु है और जो नया परमाणु है, दोनों एक दूसरे के समस्थानिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आप इसमें देख रहे हैं एक चीज़ कि एक दो एक तो परमाणु मूल था जो एक्स था, और जो नया बना है वो है एन। ये एक्स जो है पहले से था, मूल या जनक परमाणु इसको बोल सकते हैं, जनक तत्व और जनक परमाणु, और यहाँ जो है ये एन जो है ये नया बना है, है ना, नया बना है। तो जब इससे क्या निकला, एक अल्फा कण निकल गया और 2 बीटा कण निकल गया है, 2 बीटा कण निकला और एक अल्फा कण निकला, किससे, एक्स जनक परमाणु से। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि जो इसका एटॉमिक नंबर था वो सेम ही रह गया, जो वाई था वाई ही रह गया, लेकिन जो यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान था, एटॉमिक भार था, है ना, परमाणु द्रव्यमान था, एटॉमिक मास था, सॉरी, जो एटॉमिक मास था, इसमें 4 की कमी आ गई। यहाँ भी जेड ही है लेकिन जेड में 4 माइनस हो गया है। तो ये याद रखिएगा, ये कंडीशन तब होगा जब क्या होगा, एक अल्फा कण निकलेगा, है ना, एक अल्फा कण और 2 बीटा कण, एक अल्फा कण और 2 बीटा कण निकलेगा, तो जो जो जनक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान है वही रह जाए, परमाणु संख्या है वह वही रह जाएगा, लेकिन चेंज करेगा परमाणु द्रव्यमान, ये जो है चेंज करेगा परमाणु द्रव्यमान, चेंज करेगा, है ना, जेड से मतलब इसमें 4 इकाई की कमी हो जाएगी परमाणु द्रव्यमान में, लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर है वो सेम ही रह जाएगा। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक या आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो ये दोनों सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व जो एक्स है और जो एन है, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, ये दोनों समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है। अर्थात मूल परमाणु और नए परमाणु दोनों एक दूसरे के समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप्स होते हैं। ये कंडीशन कब होता है, जब कि एक अल्फा कण निकल जाए और 2 बीटा कण निकल जाए, ये कंडीशन याद रखिएगा, एक अल्फा कण निकल जाए और 2 बीटा कण निकल जाए, तो जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, जो जनक परमाणु में और जो नया परमाणु बना है दोनों में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो चेंज कर जाता है और 4 इकाई की कमी हो जाती है नए वाले में, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, है ना, किसी रेडियो सक्रिय तत्व परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले नए तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान जनक तत्व के स्थान से 2 समूह बाईं ओर चला जाता है। अगर यदि एक अल्फा कण निकल रहा है, एक अल्फा कण निकल रहा है, तो एक अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाला जो नया तत्व है, नए तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होगा, स्थान जनक तत्व के स्थान से 2 समूह बाईं ओर चला जाएगा। 2 समूह, अल्फा कण निकलेगा एगो, तो क्या होगा कि इसमें एक अल्फा कण निकलने से जनक तत्व के स्थान से
दो समूह बाईं ओर चला जाता है जो नया तत्व है। अगर मान लीजिए पीरियडिक टेबल में रखा गया है, तो जहाँ पर जनक तत्व रखे, जहाँ पर कि मान लीजिए जनक तत्व रखा हुआ है, इस जनक तत्व के दो समूह बाईं ओर, ये बायां तरफ इस तरफ हुआ, तो दो समूह बाईं ओर चला जाएगा, कौन? जो नया तत्व होगा, ठीक है ना। जनक तत्व के स्थान से दो समूह बाईं ओर चला जाएगा, कौन? जो नया तत्व होगा। तो जैसे मान लीजिए ये होगा तब जब एक अल्फा कण निकलेगा। एक अल्फा कण की कंडीशन है कि जब किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण निकलेगा, तो जो नया तत्व बनेगा वह क्या होगा? जो मूल जनक तत्व है उससे दो स्थान बाएं तरफ चला जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर रखा जाएगा किसी ग्रुप में, तो वह दो स्थान जो है बाएं तरफ चला जाएगा। ये हो गया जब एक अल्फा कण निकलेगा तब। फिर देखिए, वहीं बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होने वाले नए तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी में स्थान जनक तत्व के स्थान से एक समूह दाईं ओर चला जाएगा। ये बीटा में था, अब अगर अल्फा में था, और जब इससे बीटा कण निकलेगा, है ना, यहाँ से कोई मान लीजिए बीटा कण निकल रहा है, तो बीटा कण निकलने से क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जनक तत्व है जिसका नाम है ए, तो इस एक जनक तत्व से क्या होगा? दाईं समूह की ओर एक समूह दाईं ओर, यह जो है ओरिजिनल जनक तत्व यहाँ है, तो जो नया तत्व बनेगा वह दाईं तरफ एक एक स, है ना, एक समूह दाईं ओर, एक समूह दाईं ओर चला जाएगा, एक समूह दाईं ओर जाएगा। ये कब? जब बीटा किरण निकलेगा। और यहाँ पर क्या था? जबकि मान लीजिए यहाँ पर मूल तत्व है, तो इससे दो कदम यहाँ जो है एक समूह दाईं ओर, यहाँ होगा दो समूह बाईं ओर जाएगा, दो समूह बाईं ओर किससे? जब इससे अल्फा कण निकलेगा, अल्फा कण निकलेगा तो दो समूह बाईं ओर जाएगा, और जब इसमें से एक बीटा किरण निकलेगा तो एक समूह दाईं ओर जाएगा। और जाएगा का मतलब किससे कहा जा रहा है? जो मूल तत्व बना वो, मूल तत्व के बाद जो नया आधुनिक तत्व बना वो, मूल तत्व अगर हम ए को मानते हैं, तो इसके संदर्भ में जो आधुनिक तत्व होगा वो एक समूह दाईं ओर बनेगा जब इससे बीटा किरण का उत्सर्जन होगा, ठीक है। इसी तरह जो मूल तत्व है ए, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा किरण निकला है, तो ये जो है दो समूह बाईं ओर चला जाएगा, कौन? जो आधुनिक तत्व, नया तत्व बनेगा इस जनक तत्व से जिससे कि अल्फा किरण निकला है, उस तत्व के बारे में कह रहा है, ठीक है। इस नियम को ही समूह विस्थापन नियम, इस नियम को क्या बोलते हैं? समूह विस्थापन नियम, कि अल्फा किरण निकला तो जो नया तत्व बना वह मूल तत्व से दो समूह बाईं ओर चला गया, जब बीटा किरण निकला तो जो नया समूह बना, है ना, नया समूह बना वह मूल समूह, मूल जो तत्व था उस समूह से एक समूह दाईं ओर चला गया, एक समूह दाईं ओर, और यहाँ दो समूह बाईं ओर। यहाँ पर निकला है अल्फा किरण, है ना, अल्फा किरण, और यहाँ पर निकला है बीटा किरण। तो इसी को क्या बोलते हैं, यह जो बाईं ओर दाईं ओर जाने की घटना है, ये क्या कहलाता है? इस नियम को ही समूह विस्थापन नियम या ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या समूह विस्थापन का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमको लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, आज हम बताना क्या चाह रहे थे। मूल रूप से यही दो तीन चीज़ थी जो कि आपका ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में आता है, ठीक है। ये वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत।